देख सकते हो कि मैं इस गाड़ी को यहाँ से लेकर चलता हूँ सामने की तरफ, और यहाँ पर आप यामा की गाड़ी की स्पीड यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि सामने से पूरी गाड़ी उठ गई है। फिर से मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, पीछे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पीछे लेता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो इस बंदे गाड़ी को जो बंदा चला रहा है उसका पैर यहाँ पर है, जो मतलब गाड़ी से नीचे नहीं टिक पा रहा है। तो अब गाड़ी से नीचे टिक गया है, फिर से हम गाड़ी को फिर से यहाँ से भगाते हुए लेकर चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह जो हमारी गाड़ी है यामा की, ये गाड़ी आप पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नीचे गिरा दिया, पूरा जो बंदा वो यहाँ से गिर गया है, फिर से वापस गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया है, ठीक है गाइस। और गाइस अब यहाँ से चलते हैं हम सामने की तरफ, और देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत ही अलग अलग सी लाइट्स है जो जल रही है। तो लाइट का हम इग्नोर करते हुए चलते हैं सामने की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर यामा MH04 गाड़ी का नंबर है, EH0999 गाड़ी का नंबर है, ठीक है। सो यहाँ से हम सामने गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ चलने देते हैं। और भाई साहब, आपको मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने देना चाहता हूँ कि जो गाड़ी की स्पीड है बहुत अच्छी यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो गाड़ी है जो फिर से वापस यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छे से कि गाड़ी पूरी ऊपर चढ़ चुकी है, क्योंकि भाई गाड़ी में पावर थोड़ी सी अलग ही तरीके की है। तो गाड़ी पूरी यहाँ से देख सकते हो कि नीचे गिर दिया मैंने, फिर भी गाड़ी अच्छे से चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से गाड़ी पूरी उलझ चुकी है।